हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वजन पर आधारित शब्द पहेलियों वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वेट को हल करना सीखा। इस वीडियो में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। चंपापुर में आज गोलू पांडा और गग्गू गेंडे के बीच एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मुझे मोतीचूर लड्डू पसंद है, मैं तो मोतीचूर लड्डू ही खाऊंगा, गोलू ने कहा। मुझे बेसन के लड्डू पसंद है, मैं तो बेसन के लड्डू ही खाऊंगा, गग्गू ने कहा। आप दोनों को लड्डू खाने के लिए एक मिनट दिया जाएगा, जो भी एक मिनट में ज्यादा लड्डू खा पाएगा वो प्रतियोगिता जीत जाएगा। प्रतियोगिता के संचालक बब्बन ने कहा। प्रतियोगिता शुरू हो गई। देखिए, गोलू और गग्गू कितनी तेजी से लड्डू खा रहे हैं। समय समाप्त हुआ, आइए देखें किसने कितने लड्डू खाए, बब्बन ने दर्शकों से कहा। अरे ये क्या, गोलू और गग्गू दोनों ने बिल्कुल बराबर 20 लड्डू खाए हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन विजेता है, बब्बन ने कहा। सभी मिठाई के विशेषज्ञ अप्पू ने कहा। दोनों लड्डू के वजन अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों ने समान संख्या में लड्डू खाए हैं, हमें केवल एक मोतीचूर लड्डू और एक बेसन लड्डू के वजन का पता लगाना होगा। लेकिन अप्पू, हम इसका पता कैसे लगाएंगे, बब्बन ने अप्पू से पूछा। ये बहुत आसान है, देखो, एक किलो मोतीचूर लड्डू के डिब्बे में 40 लड्डू हैं। इसका मतलब एक मोतीचूर लड्डू का वजन होगा 1 किलो भाग 40। लेकिन 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है, इसलिए एक मोतीचूर लड्डू का वजन होगा 1000 भाग 40, 25 ग्राम। बच्चों, अगर 1 किलो बेसन लड्डू के डिब्बे में 25 लड्डू हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक बेसन के लड्डू का वजन कितना होगा? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। 1 किलो बेसन लड्डू के डिब्बे में 25 लड्डू हैं। इसका मतलब एक बेसन लड्डू का वजन होगा 1 किलो भाग 25। 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है, इसलिए एक बेसन लड्डू का वजन होगा 1000 भाग 25, 40 ग्राम। अच्छा, तो एक मोतीचूर लड्डू का वजन 25 ग्राम और एक बेसन लड्डू का वजन 40 ग्राम है, इसलिए बेसन लड्डू मोतीचूर लड्डू से भारी है। इसका मतलब गग्गू ने गोलू से ज्यादा वजन के लड्डू खाए। इस प्रतियोगिता का विजेता है गग्गू, बब्बन ने सभी दर्शकों से कहा। सभी दर्शक प्रतियोगिता के विजेता गग्गू के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वजन पर आधारित शब्द पहेलियों वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वेट को हल करना सीखा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे।